अयोध्या में करीब 500 सालों बाद रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने का जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा। इसी बीच रामलला के अयोध्या पधारने की खुशी में एक महिला ने अलग अंदाज में खुशी मनाई। छत्तीसगढ़ में चाय की दुकान चलाने वाली एक महिला ने अपने टी स्टॉल पर सोमवार को सबको फ्री में चाय पिलाई। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल गरियाबंद की भगवती बाई ने सालों पहले की मुराद पूरी होने की खुशी में हर आने जाने वाले शख्स को जो जय श्री राम बोल रहा हो उसे मुफ्त में चाय पिलाई। भगवती अब तक 500 कप से ज्यादा चाय पिला चुकी है। गरियाबंद में इसे लेकर काफी चर्चा है और लोग इसे उनकी अपार श्रद्धा के रूप में देख रहे हैं और उनके पास चाय पीने पहुंच रहे हैं। जिला मुख्यालय जनपद पंचायत के समीप 13 वर्षों से एक छोटे से चाय दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रही है ये महिला भगवती देवदास, जिनका इस चाय की दुकान से अपना जीवन गुजर रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्होंने हर आने जाने वाले राहगीर को जो जय श्री राम बोलेगा उसे फ्री में चाय पिलाने का संकल्प लेते हुए सभी को मुफ्त में चाय पिलाई। चाय ठेले पर चाय बेचने वाली भगवती उर्फ पारो ने बताया कि प्रभु श्री राम के प्रति उनके दिल में बहुत आस्था है। उसने निर्णय लिया था कि जब भी अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी विराजेंगे तब वो एक दिन मुफ्त में चाय पिलाएंगी। भगवती सभी ग्राहकों को चाय देने से पहले कहती है आप जय श्री राम बोलिए, उसके बाद चाय पिलाऊंगी। इस चाय दुकान पर सुबह से लेकर दुकान बंद होने तक शहर के कई छोटे बड़े जनप्रतिनिधि, पत्रकारों तथा दफ्तरों के अधिकारी कर्मचारियों ने जमावड़ा यहां पर लगा रहता है। भगवती की ये आस्था नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।